आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही डिलीशियस रेसिपी। जिन्हें पनीर पसंद है, शाही पनीर उनकी टॉप लिस्ट में होती है। मैं आपको कुछ डिफरेंट और अपने तरीके से बनाना बताऊंगी। एक बार आप मेरे तरीके से बना के देखिए, यकीन मानिए आप रेस्टोरेंट की खाना भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सब्जी बनाना। सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं जिनको रफली चॉप कर लिया है, और 10 से 12 लहसुन की कलियां, इसको भी मिक्सी जार में डाल देंगे। 9-10 काजू, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 चम्मच ग्रेटेड कोकोनट, 1 चम्मच जीरा और सारे मसालों का एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे। अब इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे। सबसे पहले 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 काली मिर्च और 2 तेज पत्ता। अब इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे। फिर हमने जो पेस्ट तैयार करके रखा था उसको भी ऐड कर देंगे। मसालों को हम तब तक भूनेंगे जब तक मसालों का कलर गोल्डन ब्राउन ना होने लगे। मसालों को भूनने में मैक्सिमम 9-10 मिनट तो लग जाएंगे। तब तक हम टमाटर की प्यूरी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज के टमाटर लिए, जिन्हें रफली चॉप करके इनका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। अब चलते हैं अपने मसालों की तरफ। मसाले परफेक्ट भून चुके हैं, आप इनका कलर देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे सूखे मसाले। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे सब्जी में कलर बहुत अच्छा आता है, और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी मिर्च तीखा नहीं होता है, इसलिए फ्लेवर के लिए हम नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। मसालों को भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक भूनेंगे। फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे टमाटर की प्यूरी। यहाँ पर हम मसालों को हाई फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक के लिए भूनेंगे, जब तक कि मसाले थोड़ा सा ड्राई ना हो जाएं। 2-3 मिनट बाद मसालों को कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। 5 मिनट हो गए, मसालों को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मसालों ने थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 चम्मच मावा। यदि मावा नहीं है तो 2 से 3 चम्मच आप शहद भी ऐड कर दीजिए, क्योंकि शाही पनीर का फ्लेवर हल्का सा मीठा होता है। मावा को भी हम मसालों में मिक्स कर देंगे और लगभग 2 मिनट तक के लिए मसालों के साथ इसको भी भूनेंगे। फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 चम्मच फ्रेश दही। दही से सब्जी में जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा आता है, और खट्टी दही बिल्कुल नहीं लेनी। दही को भी मसालों के साथ 3 से 4 मिनट तक के लिए और भूनेंगे। फिर हम ऐड करेंगे 2 चम्मच फ्रेश मलाई। यदि मलाई नहीं है तो आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। मलाई को भी हम मसालों के साथ 2 से 3 मिनट तक के लिए भूनेंगे। फिर हम ऐड करेंगे इसमें नमक। नमक को मिक्स करने के बाद फिर मसालों को कवर करके 5-6 मिनट तक के लिए और पकने देंगे। 5 मिनट बाद हम मसालों को चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मसालों ने तेल भी छोड़ दिया और मसालों का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। इस स्टेज में हम ऐड करेंगे पानी। यहाँ पर मैंने मिक्सी जार से ही लगभग 1 गिलास पानी ऐड किया है। पानी डालने के बाद हमें सब्जी में एक उबाल आने देना है। सब्जी में उबाल आ गया है, अब हम ऐड करेंगे पनीर। पनीर को आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। पनीर को हम हल्के हाथों से सारी सब्जी में मिला देंगे ताकि पनीर टूटे ना, और फिर से हम कवर करके 5-6 मिनट तक के लिए और पकने देंगे। सब्जी से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब सब्जी को चेक करेंगे, आप देख सकते हैं सब्जी परफेक्ट तरीके से बनके तैयार है। इसका कलर और टेक्सचर दोनों देख सकते हैं, लग रही है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट और ढाबे जैसी, जबकि इसे हमने बहुत ही कम तेल और बेसिक मसालों से तैयार किया है। इस सब्जी की टेस्ट की रिचनेस का कोई भी जवाब नहीं। लास्ट में हम ऐड कर देंगे हरा धनिया और फिर हम फ्लेम को बंद कर देंगे। सब्जी बनके तैयार है। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अपने फैमिली और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।